हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस, मैं घर हूँ, बचलन बैचलर्स का घर। अरे ये तो पिछले वाला, आप सब जानते ही होंगे। 21 मिलियन व्यूज जो दिए हैं मैंने, शोइंग ऑफ लाइक अ स्लटी बिच। तो रॉकी की वीर गति के बाद ये घर कुछ दिन अपने पुराने कदमों पर चला, लेकिन फिर हमारे सिपाही अर्जुन को अपनी संगनी अनीशा की ऑल डे ऑल नाइट याद सताने लगी। सरल शब्दों में तो उसे सेक्स नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सिपाही अपने अस्त्र छोड़ बह चला पैचअप की गंगा में। और ना चाहते हुए भी बाकी सिपाहियों को भी उसका साथ देना पड़ा, क्योंकि गेहूं में अगर घुन आ भी जाए तो गेहूं उसको खुद से झटक के अलग नहीं करता। बहुत कुछ बदल गया है इस घर में, बहुत कुछ। I miss you, my boy. पहले रॉकी गया छोड़ के, और अब तुम भी जा रही हो मदक नंदिनी। 60% हवा निकल चुकी है तुम्हारी। कंपनी वालों ने तो कहा था सालों साल चलोगी, तुम तो 6 महीने में ही तितर बितर हो गए। सालों तुम्हारी बुआ जवान करूं भोले वालों, रॉकी के जाने का गम ना मुझको भी है। दिस इज लाइफ यार, वी हैव टू मूव ऑन। और तू ते क्या सेक्स डॉल के पीछे अपने आंसू बहाए जा रहा है? तूने कहा था रॉकी की कमी पूरी करने के लिए इसको लाया है। मेरे को तो सोच के डर लगता है कि तू रॉकी के साथ क्या क्या करता होगा। हेलो, क्या हो गया? मेरे प्रेम को अपनी अभद्र जुबान से मतलब पापे। गाइस स्टॉप इट, नितिन मत बोला कर उसे यार। ही हैज फीलिंग्स फॉर द डॉल व्हिच इज बॉर्डरलाइन साइकोटिक। सॉरी बट दोस्त है यार हमारा। तुझे किसने बोला इतना सच बोलने को? रॉकी ने। रॉकी मेरे सपने में आया था यार, और उसने मुझसे कहा था कि नितिन झूठ बोलना पाप है, गड़े के नीचे सांप है, सांप लेगा डस, सच बोलना बस। अब रॉकी की बात को कैसे मना कर सकता हूँ यार? और वैसे भी ना सच बोलने से बहुत हेल्प हो रही है मेरी लाइफ में। अरे यार पापा, आपकी बुआ जवान करूं, अब मर ही नहीं रहे हो यार। अरे जल्दी मरो, मैं जायदाद अपने नाम पे करूं, इतना पेशेंस नहीं है मुझ पे। लो साइन करो साले। ओके आई गेस इतनी भी नहीं हो रही, बट इट्स रॉकी यार, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। गाइस आई थिंक वी नीड टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ्स, तभी वी कैन मूव ऑन एंड लेट्स गेट अ जॉब। नहीं नहीं भ्राता, इस उम्र में गली गली रिज्यूमे लेके दौड़ना मेरे बस की तो नहीं है। ओ भाई जमाना ना बहुत आगे बढ़ गया है, अब ये रिज्यूमे लेके दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियरिटी लेवल पे जाओ, वहां पे आसान सा टेस्ट दो एंड बूम, यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। ब्रो मैंने सुना है इसके बारे में, बट पीपल एक्चुअली गेट जॉब या फिर हवा में बातें? अबे 62 करोड़ वर्थ की जॉब दिलवाई है रीलेवल ने 11 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। और ऐसी वैसी कंपनी भी नहीं, स्विगी ओला शादी.com जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है रीलेवल के थ्रू। यार ये तो बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया तो ये भी है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को गुडीज और टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट मिलते हैं रीलेवल के थ्रू। और ये टेस्ट तो कितनी बार भी दे सकता है, नो लिमिट्स। HR, सेल्स, टेक, इंजीनियरिंग जैसे 11 डिफरेंट टीम्स में जॉब अवेलेबल है। इट्स लाइक चेरी ऑन केक। हाँ अब चेरी और केक दोनों दबा के खा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा साइन अप कर एंड किक स्टार्ट योर करियर। अच्छा ब्रदर सुनिए, करियर से याद आया, हम सब में जिसका सबसे सर्वोपरि करियर है वो कहाँ है? कहाँ है हमारा धनुर्धारी अर्जुन? सुबह से नहीं दिखा उसको, तुम भूल ही गए मैं कॉल करता हूँ। हमारी शादी में ओह अभी बाकी है हफ्ते, 400 बरस लगे ये हफ्ते कैसे होंगे पार। अरे ब्रो मीठा फूकने के बाद खाते हैं, भोस के मन चीज नहीं है। मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया अपनी नई जिंदगी का। देखा गाइस, मैंने तुमको कहा था ना कि एक ना एक दिन अर्जुन मान जाएगा, अब हम चारों फाइनली फोरसम कर सकते हैं। ये आ जाओ लपक लो, आओ। अबे चुतिया है क्या तू? क्या है भाई? वैसे आप मेरा आउटफिट देख के गेस कर नहीं पा रहे होगे, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। हाँ हाँ मेरी शादी होने वाली है, बहुत घोड़ी बनी। अब घोड़ी चढ़ने की बारी है। हे सच अ गुड न्यूज़ मैन, कम कम हग मी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पागल हो गए हो क्या? साले हम पागल हो गए हैं, तेरी बुआ जवान करूं दो पप पास राउंड लेना चाह रहा है। मैं खुद दो पफ पास वाले राउंड में रहना चाहता था, पर अनीशा को मना करने से फट रही है मेरी।
एक्चुअली उससे नहीं फट रही, उसके बाप से फट रही है। कसाई है उसका बाप। छी 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 छी, हमारा शेर एक मुर्गा काटने वाले से डर गया। मुर्गा काटने वाला कसाई नहीं है वो। इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि गाड़ी फटने पर आवाज नहीं आती। हाँ तुम एकदम सही कह रहे, मुझे डरना नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ अगर वो जौनपुर के एमपी का जीजा और उस पर 52 मर्डर चार्जेस हैं? मैं अभी उसे फोन करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं किसी ने आंखें नहीं खोली, तो अपनी आंखें बंद रख यार अर्जुन। और देखा जाए तो एक ना एक दिन तो सब कुछ सेटल होना ही है ना, होने तो तू बंद रख। पर मैं कैद हो जाऊंगा ना भाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रात को मुझे सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, खुद का ख्याल रखूं ना रखूं उसका रखना पड़ेगा। दारू की बातें, याची की रातें, सब खत्म है। अर्जुन शांत मेरी बात सुन। शांत बेटा शांत। तेरा दोस्त नितिनाथ तुझसे एक वादा करता है कि तेरी कैद से पहले तेरे को आजादी के इतने मोमेंट दे दूंगा जो जिंदगी भर तुझे याद रहेंगे। अर्जुन are you ready for the bachelor's party in the hills? Bachelor party, sharab kabab aur shabab. Anisha ko kya bolunga? Ha Anisha, wo hamare khandani pandit hai na, Shri Bitta ji, to unhone ek hafte ke moon vart ke liye kaha hai, ek sukhi shaadi shuda jeevan ke liye. To main nahi, agar tumhe matlab koi नहीं कोई दिक्कत है तो हाँ चलो ठीक है। गाइस बैचलर पार्टी इज ऑन। चलो करते हैं बैचलर पार्टी। ये चार पहिया वाहन आगे जा रहा है या हम पीछे जा रहे हैं? कुछ भी कहो यार, पर नितिन गाड़ी कितनी स्मूथ चला रहा है यार। या मैन, सो स्मूथ। ए नितिन, तूने इतनी स्मूथ गाड़ी चलानी कब सीखी बताना। ए नितिन बताना यार। ओ भाई मस्त नींद पूरी हो गई। फकिंग शिट, तू नींद में गाड़ी चला रहा था? हाँ। अबे भैन को इतना केयरलेस कैसे हो सकता है गाड़ी को लेके? तेरे बाप की गाड़ी है? नहीं तो तेरी है। वही कह रहा हूँ, तेरे बाप की गाड़ी है, इसको साइड में लगा और उतर, मैं चलाऊंगा गाड़ी। घबरा था इस कीड़े से, अभी के अभी गाड़ी लीजिए, नहीं तो ये कीड़ा हमें मौत के घाट उतार देगा। ये मादर यार अर्जुन, आई कांट ट्रस्ट हिम, प्लीज गाड़ी ले से। अबे चिल करोगे यार, जब सोते हुए नहीं ठोकी तो जागते हुए कैसे ठोक दूंगा? और जब ठोकूंगा तब बोलना। अभी ठोकेगा शायद। चिल कर ब्रो, इतना भी कुछ हुआ नहीं है वैसे। ओ क्या बात कर रहे हो भाई जी, माँ की गाड़ी की। तो तू कौन है? Myself रोहित बिष्ट, my friends and family call me flying beast, और इस होटल का मैनेजर। फ्लाइंग बिष्ट? तू मैनेजर है ना, तो भाई बन के रहे, ज्यादा होमी बनने की जरूरत नहीं है। चल जाके कमरा लगा मारा। चल सिक्का भाई जी का कमरा लगा दी 206। टेंशन मत ले यार, इंश्योरेंस है तो तेरे पास, सारे कांड को रिवर्स करने की चाबी। हाँ यार, और इंश्योरेंस वाले तो होते भी खूब बुद्धि है भाई, यूं पास कर देंगे। अरे 500 रुपए में ईमान भेज देते अपना। अरे मुंह ठू देंगे सालों का पैसों से, 2 दिन के अंदर क्लेम मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर। ये कौन है? ए, कौन है तू? ये इंस्टाग्राम स्टोरी क्या बना रहा है? भ्राता ये इंश्योरेंस वाले हैं। अबे मैंने कहा आपकी सहायता हो जाएगी, इसलिए मैं ही बुला के ले आया। नहीं नहीं भैया जी, इंश्योरेंस वाले तो बहुत बढ़िया होते हैं, ये असली कांडी ना पुलिस वाले होते हैं। अरे कोई धर्म ईमान है ही नहीं इनका। अबे साले, जी कुछ चाय पानी मट्टी वगैरह कुछ है? नहीं जी नहीं, इसमें सब है,
चाय पानी मट्ठी सब, बाकी मेल आ जाएगा आपको, ठीक है ना? चलिए सर, बाय सर, बाय बाय बाय। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना भ्राता, कहीं कुछ खाने चलते हैं ना, सब फुल लिस्ट पे है। मारा बहुत तेज है यार उसने, देखियो विजन जा रही है मेरी, चाय छूने तो दे दूर से, हो जाएगा एक दो दिन में खत्म पक्का ना। तू इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी खा लो ना बहन। मैन दिस इज सो चिका, मुझको आना ही नहीं चाहिए सालो, तुम्हारी सुननी नहीं चाहिए थी, पिशाच हो पिशाच, जहाँ हाथ लगाओ वहीं तबाही मच जाए। सालो हमेशा से मेरा खर्चा कराया, कभी कुछ कमा के लाए हो इस घर में? हमने कमाई नहीं कुछ, नहीं तो कमा लेंगे ना, एटीट्यूड भी दे रहा है। एग्जैक्टली कब भी वालो कब, तुम पे खर्च करके ना मेरा घर बार सब बिक गया, गांव में एक बैल बचा था वो भी चंद रुपयों के लिए बेचना पड़ गया, अब मेरे बाप को ना बैल के ड्रेस पहन के जाना पड़ता है खेत जोतने, कि गांव वालों को ये ना लगे कि कैसे फकीर लोग एक बैल तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ए ब्रो डोंट ट्राई मैन, यार यार अर्जुन तू रो क्यों रहा है यार, सब खत्म हो गया यार, क्या खत्म, बच्चा है क्या यार, भाई यार भाई माफी मांग रहा हूँ तुझसे यार, हम खुद सॉरी हैं भाई यार, तेरी गाड़ी के साथ जो हुआ, और मुकेश भी कितना शर्मिंदा यार, परेशान है वो। Yeah, we are sad, bro. देख अपनी फूफा को कितना शर्मिंदा है वो देख। मंदू अब जितना भी जीवन बचा है ना मेरा, उसे मैं तुम्हारे साथ ही व्यतीत करूंगा। वो छोटा सा पहाड़ देख रही हो तू? हाँ हाँ वही वाला, उस पर हमारा एक छोटा सा घर होगा और एक छोटी सी मैगी की दुकान भी खोल लेंगे, मसाला मैगी बनाना तो अच्छा बनाती हो, फिर रात को मैं लकड़ी काट कर लाऊंगा और तुम मुझे प्यार से कहना मुकेश मादर मेरी बुआ जवान करो साले, इधर आ। 2 मिनट चैन से रहने नहीं देते मादर साले। बंधु तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। बंधु मित्रों, लक्ष्य से बहुत भटक भाई, हमको अपने भाई को आजादी के दिन सेलिब्रेट करवाने हैं, अरे कंधों पर भारी जिम्मेदारी हमारे। नील अबे क्या कर, वॉइस सिंग द एंथम विद मी, सोम मंगल आंध खुजाई बुध गुरु हाथ खिसाई शुक्र शनि बेलम बेलाई और संडे, संडे को रेस्ट नहीं, इस बार संडे को कोई रेस्ट नहीं होगा, इस बार संडे को होगा पूरे तेल के चलेंगे कंपाइलेशन बुफे। यस यस, सो अर्जुन डोंट बी स्केयर्ड मैन, अब हम तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना है। क्या करना है ब्रो? मुकेश ऐसा कर, तू जा अंदर और एक्स्ट्रा सर्विस का पूछ क्या। मुझे क्षमा करें भ्राता, लेकिन इस नरक में भागीदार बनके मैं मदक नंदिनी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता यार। शराब अर्जुन तू जा। अबे किसी को तो जाना पड़ेगा ना यार, मैं बच्चा लगता हूँ, I'm just a kid, मैं अगर उससे अंदर पूछ के आया ना तो मुझे कहेगा जा साले पहले लुल्ली उगा के आ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। अर्जुन नितिन तू जा। Where the fuck is he? नितिन कहाँ है? अबे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना, 150 रुपए में स्वर्ग दिखा रहे हैं इधर, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जाओ। क्या बात कर रहा है ब्रो? बतला दिया
जिस दिन मेरी फैक्ट्री चलकर राख हो गई थी और मैं साहब जी ने कृष्णा को थप्पड़ मारा। The fuck is this? Oh, yeah. दिख नहीं रहा तुझे? साहब जी अभी अपने पूत को घर से निकालने वाले हैं। भ्राता, जितना मुझे ज्ञात है हम यहाँ पूत के लिए नहीं बल्कि छोड़ो छोड़ो। ओ यारा सारी नसें खोल दी तेरी लड़कियों ने। ओ भाई जी कौन सी पिक्चर लगाई है आज? आहा स्वर्ग। ओ भाई जी मेरी भी काट दे टिकट एक। ओ हेवन के बाद स्वर्ग देखने का मजा ही अलग है। आहा अरे भाई जी अब भी हे ब्रो वी आर आल्सो हियर। अच्छा लिसन वन थिंग, यहाँ सिर्फ मसाज या ओके यहाँ सिर्फ मसाज मिलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा सर्विस। ओ भाई जी व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सर्विस? नहीं भाई जी तुमने इस जगह को समझ क्या रखा है? नहीं हमारी यहाँ की लड़की इतनी मेहनत करती है रात भर और तुमको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए हैं? अरे ओ भाई सॉरी क्या होता है भाई जी, वो आप हो गए बड़े आदमी लेकिन शराफत हम में ज्यादा है। ओ भाई जी यहाँ मसाज करने के बाद सिर्फ सेक्स मिल सकता है पैसे देके, नो एक्स्ट्रा सर्विस समझे? क्या चूतिया आदमी है यार ये। सेक्स सेक्स नमस्ते नमस्ते। आपके पास तो बहुत अप्सराएं होंगी है ना, लेकिन मुझे उनमें से किसी की जरूरत नहीं है। वो है मेरे समीप मेरी अप्सरा। ये मंदु, बस एक कमरा मिल जाता तो। कैसा भी है जा रही हो? बंदूक चल चुकी है सर। हाँ तो सिपाही ने तो पैसे पूरे एक घंटे के जंग के दिए ना, अभी तो बस पौने दो मिनट हुए हैं, पूरा टाइम लूंगा मैं। रॉकी ने कहा था जो टाइम की कदर नहीं करता ना टाइम उसकी कदर नहीं करता। बट अब 58 मिनट क्या करेंगे हम? यस एक और बाजी जीत गया मैं। चलो अगला राउंड खेलते हैं, जल्दी जल्दी पैसे निकालो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी देना पैसे। पत्ते मार पत्ते चल। यार कुछ ताजा हो गया। You are so funny. My peddler bittu is more funny. Let me just call. अबे बिट्टू ये गाना क्या गा रहा है? बात करना। Hello. Caller tune है वो। Oh, you're so smart, huh? You deserve one more round. Come! Yeah. Bhai sahab. Kya hua? Garam ho rahe ho? नहीं 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 मैं कहाँ गर्म हो रहा हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ पानी पी लेता हूँ। बुझ गई प्यास। ओम रिक्नेनी, ओ विश्व सुंदरी, ओ हुस्न की मलिका, समा जाओ मुझमें।
इसका तो अलग ही दुनिया चल रहा है। गाइस 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 देखो सबकी सुन ली, लेट्स टॉक अबाउट द मैन ऑफ दिस आवर अर्जुन। अंदर ग्रेनेड दागे या सुतली की तरह? अबे ग्रेनेड नहीं, पूरा असला दागा है तेरे भाई ने। कहाँ नहीं किया, बेड पे, सोफे पे, दीवार पे, छापा छप छापा छप। अबे दिखता अरे एक सेकंड अर्जुन भाई साहब जी, ये मनाली के आलू। अरे भाई साहब मेरे आलू। अरे भाई साहब आपके आलू नहीं, मनाली के आलू आई है, मनाली के आलू लीजिए। मनाली के आलू। ओ भाई साहब चहर। नील, नितिन, मुकेश, हे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो अर्जुन की बैचलर पार्टी मनाने आए ना हम। व्हाट, अर्जुन भी है यहाँ? हाँ हाँ हाँ, अर्जुन यही है। अर्जुन, अर्जुन यहाँ है, नहीं यहाँ है, हमारे हृदय में, हमारे मन मंदिर में है, इन वादियों में नहीं है, बस हमारे साथ, हमारा प्यारा, तुम्हारा दुलारा, सबका न्यारा, अर्जुन क्यों मराता? बट सैड, ये हो नहीं सकता, वॉज ही मेंट टू सम व्रत और समथिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई ओनली वी गाइस केम हियर। कब मैं अभी आती हूँ ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मसाज। हाँ, और मसाज के बाद सेक्स। वैक्स, वैक्स। आफ्टर मसाज वैक्स का मजा अलग है अंकल, मस्ट ट्राई। तो ये सब क्या बोल रहे हो यार तुम? सच सच बोलो ना सब कुछ। अंकल जी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। हमने सेक्स किया दबा के, उसके बाद लड़की ने मुझको पैसे भी दिए, पूरे 5,000। आप भी जाओ मजा आ जाएगा। चढ़ा रखी है क्या? अरे नहीं चढ़ा नहीं रखी, चढ़ रखे थे। सच बोल रहे लेकिन मजा के। आओ कभी हवेली पे। Bye.